इससे पहले हम लोग मतलब भटक रहे थे रोजगार के लिए, अभी जब से जुड़ा हुआ हूँ कुछ रोजगार का साधन बना है। पहले तो कहीं जा रहे थे पहनने का साड़ी नहीं था, जैसे चलने का चप्पल नहीं था। अभी जब से मछली विभाग में काम किए हैं बहुत जीवन सुख शांति में है। भटक के वो लोग कहीं ईंट भट्टा, कहीं सब्जी मार्केट, कहीं ठेला, ये सब काम के लिए गया था। जब देखा कि चांडिल डैम में मछली पालन हो रहा और मछली उत्पादन हुआ तो लोग वापस आके वहाँ रोजगार से जुड़ गए। यहाँ वहाँ काम कर रहे थे, कहीं गाड़ी में, कहीं करसार में, कहीं फैक्ट्री में, प्लांट में काम कर रहे थे। उसी टाइम बहुत दुख तकलीफ मिल रहा था। मतलब जैसे विस्थापित होने के बाद एकदम बेघर हो गया था, वो अपना धीरे 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 जीवन को सुधार किया। रोजी रोटी चलने लायक जैसा रोजगार मिलता है, महीना में जैसे 8 से 10 हज़ार रुपया हो जाता है। सभी जितना गांव विस्थापित हुए हैं वो लोग मछली पर अभी रोजगार कर रहे हैं। इस ढंग से एक अच्छा रास्ता निकला है ताकि विस्थापितों को रोजगार भी मिल सके और अच्छा एनिमल प्रोटीन समाज को मिल सके, ऐसा प्रयास। आम तालाब में यदि मछली पालन करते हैं तो उसमें प्रति घन मीटर 1.4 केजी से लेकर 1 केजी तक बहुत अच्छा उत्पादन करने पर पाते हैं। लेकिन जहां केज कल्चर किया जाता है वहां हम लोग 25 से 30 केजी प्रति मीटर क्यूब मछली का उत्पादन करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1 हेक्टेयर में जो मछली उत्पादन है उतना उत्पादन हम लोग मात्र 100 मीटर क्यूब में करते हैं। ये केज का खासियत है। बीज क्या है, हैचरी क्या है, नर्सरी तालाब प्रबंधन क्या है, रियरिंग तालाब प्रबंधन क्या है, पानी की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में उनको बताया जाता है। और इसकी जानकारी होने के बाद वे लोग अपना मछली पालन को वैज्ञानिक पद्धति से अपनाते हैं। अगर मान के चलिए सरकार उनको 75,000 रुपया देता है तो 75,000 उनको लगाना पड़ता है, तो मान के चलिए 1.5 लाख रुपया पूंजी लगाया तो उसको 3 लाख रुपया का मछली सेलिंग आएगा, जो लाभुक है 1.5 लाख रुपया कमाएगा। केज कल्चर में आपका पंगेसियस है, तिलेपिया है,
कॉमन काप है और बीच बीच में उतना नहीं, ज़्यादा अधिक नहीं, लेकिन कुछ कुछ रोहू कतला भी पाला जाता है। पूरा क्षेत्र में जो है हमारे विस्थापित लोग जो है अब मछली पर निर्भर भी है और मछली पर काम भी सीख लिया है और मछली का काम बढ़िया से कर भी रहा है।